हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ वो है दिलीप बिल्ड कॉइन लिमिटेड। इस स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज इसमें एक गुड न्यूज़ है। इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया न्यूज़ है, और अगर आप देखोगे ये स्टॉक बहुत मीन्स 1200-1250 के प्राइस से गिर के 700-750 तक चला गया था। इतनी ज़बरदस्त गिरावट देखने की मिली थी। अभी जो मिड कैप स्मॉल कैप में करेक्शन हुआ था, तो इसको भी करेक्शन का मार झेलना पड़ा था। तो देखिए, आज इस स्टॉक में अच्छा खासा जंप, 1500-1600 रुपये का जंप देखने को मिला है। 801 के प्राइस पर आ चुका है ये स्टॉक दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। देखिए सेक्टर कौन सा, कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर का, यानी सिविल सेक्टर की ये कंपनी है। कंस्ट्रक्शन का मेजर इसका काम है दिलीप बिल्डकॉइन। अगर आप देखोगे इसका शेयर प्राइस 800 रुपये है, मार्केट कैपिटलेशन 10,000 मीन्स ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपये की। अर्निंग पर शेयर 55 रुपये का है, बुक वैल्यू देखिए 167 की। तो प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है 4.79 का, पी रेशियो 14.54 का है। 52 वीक अगर लो देखोगे तो 561 का है, लेकिन 52 वीक हाई 1247 का है। और अब बात करते हैं इसमें न्यूज़ की। न्यूज़ देखिए, दिलीप बिल्डकॉइन को एक जो है माइनिंग प्रोजेक्ट में काम मिला है, और ये माइनिंग प्रोजेक्ट है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड का माइनिंग प्रोजेक्ट में जो है कंस्ट्रक्शन का काम मिला है। अब ये देखिए ये प्रोजेक्ट कितने का है, वैल्यू इसकी 717 करोड़ की है। तो बहुत बढ़िया, 717 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को एक्सक्लूड करके। अब देखिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है ये, और ये मध्य प्रदेश में है। और कौन से स्टेट में, सिंगरौली में है, मध्य प्रदेश में। और ये जो एनसीएल है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, ये एक सब्सिडियरी है किसकी, कोल इंडिया लिमिटेड की। बहुत बढ़िया है, तो अच्छी खासी न्यूज़ है ये दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड में, इसलिए आज इसके शेयर में भी अच्छा खासा जंप था। अब ये देखिए द पीरियड ऑफ द वर्क मीन्स 36 महीने में ये काम कंप्लीट करके इसको देना है 717 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है। तो अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस आज का लो था इसमें 796-85 के अराउंड का लो था, और 823 तक एक बार ही गया था आज की डेट पे। बहुत बढ़िया न्यूज़ है। चलिए एक नज़र डालते हैं इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। फाइनेंशियल जैसे देखिए तो बहुत अच्छे हैं, इतने बुरे भी नहीं है इस कंपनी के। अगर देखिए सेप्टेम्बर में जो सेल थी वो 1581 करोड़ की थी, वही दिसंबर में 1942 करोड़ की हुई, फिर मार्च में 2557 करोड़ की, लेकिन थोड़ा जून में कमी देखने को मिली 2436 करोड़ होगी। अगर नेट प्रॉफिट देखते हो तो नेट प्रॉफिट में कांस्टेंट इंक्रीज देखा गया, 115 करोड़ था सितंबर में, फिर 164 करोड़ हुआ, फिर 217 करोड़ हुआ, और नेट प्रॉफिट जून में 254 करोड़ हुआ। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, प्रॉफिट अच्छा है, लेकिन स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली अब तक पिछले 5-6 महीनों में। टोटल डेट 2770 करोड़ है, टोटल एसेट्स जो है वो 5227 करोड़ के हैं कंपनी के। अगर एक नज़र डालते हैं इसके डिविडेंड पे, तो डिविडेंड देखिए 1 रुपये का डिविडेंड इसने 2018 में दिया, और 1 ही रुपये का डिविडेंड 2017 में दिया था। एक नज़र ग्राफ पे डालोगे तो नवंबर 2016 में यही स्टॉक 220 रुपये का था, यही अभी मई तक, मई में देखिए कहाँ किस लेवल पे था, ये अराउंड 1100-1200 के लेवल पे था। वहाँ से मई के बाद इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में, तो इसमें भी असर हुआ है जो करेक्शन का। अब देखिए ये टेक्निकल ग्राफ है, अगर आप टेक्निकली देखें तो, अगर आप थोड़ा टेक्निकल एनालिस्ट हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जब हेड एंड शोल्डर पोजिशन बनती है, ये देखिए, ये अभी मैं आपको इसमें लाइन स्टॉक करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। देखिए हेड, ये पहले तो सब इस चीज़ को देखिए, ये एक इसकी सपोर्ट लाइन है, ये इसकी एक सपोर्ट का, यहाँ पे देखिए अगली बारी जब स्टॉक गिरा था बहुत धड़ाम से गिरा था, तो इसी लाइन से ही इसने जो है वापस यहाँ से रिगेन किया था स्ट्रेंथ, तो यहाँ तक गिर के फिर वापस गया थे। अगली बार जब इसने यही लाइन तोड़ी तो ये देखिए, तो ये और नीचे गिरा, इसी लाइन तक गया, तो ये फिर एक सपोर्ट बन गया, तो अगली बार जब ये गिरा तो इसी सपोर्ट से वापस आया, तो ये आप ये देखिए। और दूसरी चीज़ अगर मैं जो आपको बता रहा था, हेड डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर नहीं कहेंगे हम इसको, डबल टॉप कहेंगे, ये डबल टॉप पैटर्न है, जैसे ही बराबर दो टॉप बनते हैं तो गिरावट की वो देखी जाती है, और ये नेक लाइन कहते हैं इसको, इस नेक लाइन को अगर तोड़ दे तो और गिरावट देखने को मिल जाती है, अगर यहाँ से आपको निकल जाना होता है। तो ये देखिए इस तरीके के पैटर्न्स इसमें दिखे हैं, और ये जो इस तरीके से इसमें सपोर्ट का जोन है अभी भी उस लेवल के उसमें आ रखा है। ये देखिए अगर ये यहाँ से इसको प्रोजेक्ट मिला तो उम्मीद है कि यहाँ से जंप करेगा, लेकिन अगर यहाँ से नीचे गिरेगा तो अगला सपोर्ट आपके पास ये 600 लेवल का ही है, ये देख लीजिए आप। और अगर आप इसमें इसको रेजिस्टेंस 920 के अराउंड के रेजिस्टेंस मिल सकती है, यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस मिल जाती है, और सेकंड लेवल का जो इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो इस लेवल पे जा रहा है 1000 रुपये के अराउंड, और अगला जो है इस तरीके से, तो दो तीन इसमें टारगेट आप बना सकते हो अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो तो। पहले तो ये 920 के अराउंड का, फिर 1000 रुपये के अराउंड का, इस तरीके से टारगेट्स ले सकते हो। और स्टॉप लॉस आप रखिए 600 के अराउंड भी रख सकते हो स्टॉप लॉस आप, और इमीडिएट इसके बाद ये 720 के अराउंड भी स्टॉप लॉस ले के रख सकते हो आप। अब एक नज़र डालते हैं इसके थोड़ा सा क्वालिटी देखिए, बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है। वैल्यूएशन अगर देखते हैं तो वैल्यूएशन देखिए, आरओसीई जो है
वो 22% की और आरओई 31% का, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर डालें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स का जो है 75% का स्टेक है, जो कि बहुत बढ़िया न्यूज़ है इस स्टॉक के लिए। और FII 9.53%, ऑलमोस्ट 124 FII ने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक में। प्रोमोटर्स कौन है? दिलीप सूर्यवंशी जी हैं, 40.71% का इनका शेयर पैटर्न, इनके शेयर्स हैं। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड है, जिसका 3.93% शेयर्स है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग 4.95% की है। और जो गिरवी रखा हुआ है शेयर्स, देखिए ऑलमोस्ट 17% का शेयर जो है गिरवी रखा है। तो ये है दिलीप बिल्ड कॉइन के बारे में, उसकी जो न्यूज़ है आज, जो उसको कोल इंडिया से प्रोजेक्ट मिला है, कोल इंडिया के सब्सिडियरी से प्रोजेक्ट मिला है 717 करोड़ का, उसके बारे में आपके साथ शेयर किया गया डाटा है, इन्फॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट कीजिए अच्छे से, जो कि आपको अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट भी जरूर कीजिए, क्योंकि ये सब मोटिवेट करता है। तो कीप दिस हार्ड वर्क गोइंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।